प्रतापगढ़ में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकली। इस शोभा यात्रा के पश्चात आयोजित धर्म सभा को गांधी चौराहे पर संबोधित करते हुए धर्म सभा के मुख्य वक्ता वी प्रांत सह सत्संग प्रमुख विष्णु सालवी ने कहा कि हम आज नवरात्रि के नौवें दिन अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम का जन्मदिन मना रहे हैं, साथ ही हम नवरात्रि के 8 दिन शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति का अर्जन करते हैं। हमारी शक्ति के बल पर ही आज देश में कश्मीर की छाती से धारा 370 का जहर उखाड़ कर फेंक दिया गया है। साथ ही हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में 492 वर्षों के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, विश्व गुरु है और रहेगा। हमें जननी और जन्मभूमि प्यारी है, सोने की लंका नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। हमारा लक्ष्य भारत को परम वैभव पर ले जाना है तो हमें शक्ति की उपासना करनी होगी। घर की माताएं अपनी बेटियों को जीजाबाई व झांसी की रानी बनने की प्रेरणा दें व शक्ति की उपासना करें। इसके पश्चात महंत रामेश्वर दास जी ने कहा, अपने उद्बोधन में कहा कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलें और धर्म का मार्ग का अनुसरण करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा, हम संगठित रहें। महंत ने कहा कि ये जो हमें मानव जीवन मिला है इसमें हमें जिंदगी जी जी के मरना है, न कि मर मर के जीना है। आलस की घड़ी को छोड़ हम वैदिक संतान के वारिस हैं, धर्म और मर्यादा और संसारों का हमें पालन करना है। महंत ने आयोजित शोभा यात्रा के सफल आयोजन पर जिला पुलिस कप्तान एवं जिला पुलिस कलेक्टर का धन्यवाद एवं सभी शहर के व्यापारियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व शोभा यात्रा नगर परिषद से दोपहर 2 बजे प्रारंभ हुई। विश्व हिंदू परिषद प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक शाह ने बताया कि शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे नगर परिषद से प्रारंभ हुई, जहां सबसे आगे भारत माता, झांसी की रानी, माता दुर्गा और जीजाबाई के रूप में बालिकाएं घोड़े पर सबसे आगे चल रही थी। इसके बाद भगवान श्री राम की सवारी तथा 1008 श्री रामेश्वर दास जी महाराज उज्जैन रथ पर सवार थे। डीजे की धुन पर युवा भगवान श्री राम के भजनों पर थिरक रहे थे। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा के विभिन्न संगठनों का पदाधिकारियों द्वारा गांधी चौराहे पर महंत रामेश्वर दास जी का माल्यार्पण एवं शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही शीतल पेय, छाछ एवं फरियाली आदि का वितरण जगह जगह किया गया। शोभा यात्रा नगर परिषद से प्रारंभ होकर सदर बाजार, लोहार गली, गोपालगंज होते हुए गांधी चौराहा पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हो गई, जहां वक्ताओं ने अपना बौद्धिक रखा। शोभा यात्रा को लेकर पूरे नगर को बड़े स्वागत द्वार केसरिया वस्त्रों से सजाया गया था। शहर के बाहर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर भारत माता एवं महापुरुषों के चित्र लगाए गए थे। शोभा यात्रा में भगवान राम, महादेव एवं भारत माता के बड़े कटआउट की झांकियां भी निकाली गई थी एवं ढोल व डीजे की थाप पर युवाओं ने जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा में सभी प्रखंडों को एवं नजदीकों गाँव के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यहाँ शोभा यात्रा में कई महिलाएँ भी मौजूद रही, वहीं युवतियों ने भी इस शोभा यात्रा में नृत्य किया। धर्मसभा हेतु विशाल मंच एवं पांडाल बनाया गया था। धर्मसभा के पश्चात भगवान श्री राम की महाआरती की गई एवं प्रसादी वितरण किया गया। बजरंग दल जिला संयोजक प्रकाश पहलवान ने सभी को इस आयोजन हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन पुरंजय सिंह देवड़ा ने किया। आभार की रस्म विहिप जिला मंत्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यक्रम किसी एक या दो व्यक्तियों से भव्य नहीं बनता है, इसे भव्य बनाने के लिए प्रभु श्री राम का आशीष प्राप्त होता है, साथ ही भव्यता लाने के लिए न जाने कितने सनातनियों को तप करना पड़ता है। इन्होंने इन सबको प्रणाम करते हुए कहा कि शोभा यात्रा में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पुलिस कप्तान अमृता धुवन के निर्देशन में समस्त पुलिस अधिकारी, पुलिस जाप्ता एवं क्विक रेस्पॉन्स टीम के जवान मोर्चा संभाले हुए थे। शोभा यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु रामनवमी महोत्सव समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी द्वारा समस्त पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग, नगर परिषद एवं समस्त हिंदू समाज का आभार व्यक्त किया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ शहर में निकली इस शोभा यात्रा के दौरान गांधी चौराहे पर बड़ा धर्ममय माहौल हो गया। यहाँ केसरिया पताकाओं और केसरिया भगवा ध्वजों से पूरा शहर का गांधी चौराहा अट गया और लोगों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ की, महाकाल महाराज की, दीपेश्वर महादेव की, जय जय।
शीलभंग किसी माता का हो सकता है। दिया था भीमसेन ने खड़ा हुआ प्रतिज्ञा की, जब तक इस दुशासन का छाती फाड़ कर लहू नहीं पी लेता अपने पूर्वजों को मुख नहीं दिखाऊंगा। हमारा अंग था भारत में इस प्रकार की संस्कृतियों को जन्म देने वाले, जरा सोच ले क्या बोलो अफगानिस्तान में लोग सुखी हैं, क्या पाकिस्तान के लोग सुखी हैं, वो श्रीलंका जो कभी हमारा अंग रहा करता था, रावण का अलंका थी, आज भूखमरी की कगार पर पहुंच गई है। टीवी देखना जरा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं कहता हूं भारत बनेगा नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। कोई दुनिया की ताकत उसको हिंदू राष्ट्र बनाती नहीं, हिंदू राष्ट्र है। अब भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। दुनिया में लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, नंगे घूमते थे, हमारे पुरखे कपड़े बनाते थे, विदेशी बाजारों में सोने के बदले कपड़े देकर आते थे, इसलिए ये सोने की चिड़िया कहलाता था। सोना हमारे यहां गिन करके नहीं लिया जाता था, तराजू में तोल कर लिया जाता था, इसलिए भारत सोने का था। तो अभी स्वर्ण में लंका नाने लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मुझे जननी और जन्मभूमि प्यारी है, सोने की लंका नहीं। तो हमारे संघ के प्रचारकों ने 1925 से लेकर आज तक अपने जीवन को आहुत किया, हमारी संत परंपरा ने, हमने कभी हमारे खानदान, हमारे गोत्र शहनशाहों से राजाओं से नहीं जोड़े। महाराज जी उपस्थित हैं, बोलो हमारा गोत्र मानसी पाराशर से हम मिलाते कि नहीं मिलाते हैं, बोलो कश्यप ऋषि से हम हमारा गोत्र मिलाते कि नहीं मिलाते हैं, बोलो जामदग्नि ऋषि से हमारा गोत्र हम मिलाते कि नहीं मिलाते, इसलिए हम राजा महाराजा और शहनशाहों की संतान है नहीं, हम ऋषियों की संतान है, हम मुनियों की संतान है। और इसीलिए यूनान मिस्र रोमा मिट गए थे, यहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये गाल पिटेगा गाल बढ़ाओ ये तो आर्यों की नीत नहीं, अन्य इनसे प्रेम हंसा ये तो गीता की नीत नहीं, हे राम बचाओ जो कहता वो कायर है, खुद अपना हत्यारा है, जो करे वीरता आदि साहस वही राम का प्यारा है, जो करे वीरता आदि साहस वही राम का प्यारा है, सेनानी करो प्रयाण बे भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नक्षत्र हम आके बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है, ये नक्षत्र हम आके बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। जो सपना विवेकानंद ने देखा था, राइज अप एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, द रिस्ट जागृत प्राप्ति बनानी बोलत, जब हमने ये करना सीख लिया तो 1528 का बदला 2019 में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करके भी हमने कर दिया। ये सौभाग्य हमारा कि हम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। अभी पिछले महीने 3 दिन तक मेरे को अयोध्या में कार सेवन करने का अवसर मिला अखिल भारतीय कार्यक्रम में, और जब बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पर 10 मार्च को पहुंचा, उत्तर प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, आज बाबा काशी विश्वनाथ सीरा गंगा से मिल गए हैं, वो कलंक एक तरफ सरका दिया है। ये कब हुआ, जब आप और हमारी शक्ति के कारण से। इसलिए प्रतापगढ़ के एक एक गांव में जाना, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा जो व्यक्ति निर्माण करती है, राष्ट्रभक्त की फैक्ट्री है, ये सब काम हुए हिंदू शक्ति के कारण। और जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, हमारी मानसिकता है पैसा धन इकट्ठा करके घर बनाऊं, उनकी मानसिकता है बच्चा पैदा करके देश ले लूं, बोलो कौन समझदार है। हम हमारा कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हम दो हमारे दो, वहां कहेंगे हम दो हमारे 10। अब तो शहर में कहने लगे बीबी और टिपटॉप, शादी के बाद फुल स्टॉप, बच्चा ही पैदा मत करो, ये हिंदू की मानसिकता है। तो आपने देखा नहीं बंगाल के अंदर, आपने देखा नहीं देश के 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, तो हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, शक आए हो आए कुछ आए, मेरे प्रिय आत्मा
भाइयों, मेरे प्रिय आत्मन बहनों, आज मंच पर उपस्थित वैदिक सनातन परंपरा के पद चिन्हों पर चलने वाले सत्संग प्रमुख विष्णु जी भाई साहब के हृदय में भगवान श्री राम का छवि देख के मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं और बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, दुर्गा वाहिनी की गति समिति, सावित्री जैसी बाहुबल रखने वाली मेरी माता और बहनों, आपके हृदय में मैं मां झांसी की रानी को देख के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी कभी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी कभी काम से, और कुछ समय ऐसा निकाले प्रेम करे श्री राम से, प्रेम करे श्री राम से। आज प्रतापगढ़ के इस पावन भूमि के अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी अमंतिका क्षेत्र से मुझे आने का अवसर मिला तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर में राम भक्त से भी दो गुना ज्यादा महाकाल के भक्त हैं। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल हमारा क्या बिगाड़े जो भक्त है। वाह, कम से कम आपके अंदर में सनातनी परंपरा की जागृति तो है। जीवन हमारी वैदिक सनातन परंपरा की है। हम ऋषि के पुत्र हैं, हम ऋषियों के ही वंशक हैं और ऋषि की ही कृपा अनुकंपा से आज सनातनी वैदिक परंपरा के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। मध्यकालीन भारत आज से 750 वर्ष पहले जब मुगलों का शासन इस देश पे आया था तो मुगलों ने हमारे हिंदुओं को, एकीकृत हमारा हिंदू संगठन था, हमारे हिंदू समाज के लोग थे, मुगल वंशकों ने हमारे समाज के लोगों को रुद्र फुद्र करके अलग 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 करके विभाजन कर दिया और हिंदू हिंदू से ही लड़ाकर हिंदू हिंदू को ही खत्म कर दिया। सावधान हो जाओ, वो समय गया, क्योंकि आज हर हिंदू के अंदर में महाराणा प्रताप दिख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज दिख रहे हैं, क्योंकि हर घर के अंदर में ऐसी जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी की प्रेरणा से आज हमारी नौ युवक पीढ़ी जो दिन पे दिन आगे बढ़ रही है उसका कारण है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उत्तर प्रदेश के अंदर में मैं आज 2018 में आया था प्रतापगढ़ के इस पावन भूमि पर। मुझे कहीं न कहीं प्रतापगढ़ की इस पावन भूमि पे आने के बाद यहाँ के भारतीय जनमानस के हृदय में भगवान श्री राम के प्रति जो उल्लास, उमंग और प्रेम देखा मैंने, उसको देखते हुए मेरे शरीर के अंदर में, मेरे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर में ऐसा प्रेरणा हुआ कि यहाँ यही बोलना चाहिए कि जिस दिन अयोध्या के अंदर में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हो जाएगा, श्री राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद ही मैं प्रतापगढ़ जिले के अंदर में पैर रखूंगा। और आप सभी लोगों का प्रार्थना था कि आज भगवान श्री राम के मंदिर का कार्य निर्माण चालू हो गया है। सावधान करना चाहता हूं आपको, आप 1 लाख की मोबाइल ले लेते हो, 2 लाख की मोबाइल रखते हो, 3 लाख की भी मोबाइल कुछ रखते हैं, लेकिन मोबाइल आपकी आत्मरक्षा नहीं कर सकता है। आप हार्ट वर्क भी करिए, हार्ट वर्क के साथ साथ शॉर्ट वर्क भी करिए। माइंड एंड डिवाइन लाइफ दि डिवाइन एंड फिनिशिया, जिंदगी जी के मरो, जीते जी मत मरो। 1 लाख का मोबाइल 50,000 का मोबाइल आप रख सकते हो तो 1,50,000 का भी शस्त्र हथियार अपने घर में अपनी आत्मरक्षा के लिए आप स्वयं रखें, स्वयं अपनी आत्मरक्षा के लिए रखें, क्योंकि ये सोशल मीडिया आपको विकास नहीं विनाश की ओर ले जाएगी। और हमें यदि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई चीज अपने जीवन में अनुसरण नहीं करना है, हमको 4 वेद 6 7 18 पुराण को अनुसरण करना है, हमारी वैदिक संस्कृति को अनुसरण करना है। देखिए, जब आप धर्म का अनुसरण करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, जब धर्म की अनुसरण आप नहीं करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा क्या करेगा। हमारी सनातन परंपरा इतनी मजबूत है कि अंगले कंगले कोरी किन्नरों की हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे हिंदू धर्म के विरोध में आए दिन बात करते हैं। आपको ये मालूम चलना चाहिए कि ये तिलक जो है माते मथुरा दास विराजे काल में गोरख खटके और
संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जो इस यात्रा को इतना भव्य स्वरूप दिया, समस्त संगठन के लोगों को मैं हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी बहुत भूमिका आपने दिया है। आपके संस्कार, आपके माता पिता का आशीर्वाद रहा है। भाई साहब ने अभी विषय में चर्चा दिया कि पाकिस्तान भी शीघ्र से शीघ्र आ जाएगा। ये तो श्रीलंका से हरी झंडी हो गई है, अब पीली झंडी तो पाकिस्तान में होने वाली है, कराची में। ये समझदारों के लिए सिर्फ इशारा काफी है। क्यों? क्योंकि जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हुए हैं, तभी तक संभव है, बाकी असंभव है। ये देखने में छोटे हैं, हमारे जितने बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, ये देखने में छोटे हैं पर सिंह के कराल हैं। ये देखने में छोटे हैं पर सिंह के कराल हैं, रामानंद द्रोहियों के काल विकराल हैं। ऐसे हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो क्रांतिकारी नौयुवक, जिसके अंदर में भगवान स्वामी विवेकानंद जी महाराज के आदर्श को देखता हूँ और भगवान श्री स्वामी विवेकानंद जी, भगवान पूज्य महाराज जी के जीवन चरित्र को पढ़कर इन्होंने अपने जीवन में आदर्श को अनुसरण किया है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक घर से स्वामी विवेकानंद निकले, हर एक घर से स्वामी विवेकानंद निकले। आलस की घड़ी को छोड़िए, जिंदगी जी के मरिए, लेकिन जीते जी मत मरिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि हम एक ऋषि के वंशक हैं, हम वैदिक सनातन परंपरा के वारिस हैं। आज इस कार्यक्रम के अंदर में मैंने देखा राजस्थान का माहौल बहुत ही संवेदनशील है, स्थितियां ठीक नहीं है राजस्थान की। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय को, साधुवाद देना चाहता हूं प्रतापगढ़ के कलेक्टर महोदय का, आशीर्वाद देना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने संयम बरता, सहलता बरती और लहुता के साथ ये श्री राम जन्मभूमि के आयोजन और रामनवमी के आयोजन को सफल बनाने में पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अपना सहयोग दिया है, उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी व्यापारी वर्ग के वरिष्ठ प्रतापगढ़ नगर के वासी हैं, सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में अपना उमंग और उल्लास दिखाया है, मैं खूब खूब साधुवाद देता हूं। बाकी जो शेष विषय था, उस शेष विषय को भाई साहब ने आप लोगों के बीच में रख दिया, मैं तो सिर्फ इशारा देता हूं, संकेत आने पे बताऊंगा। इतने ही बोलते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। एक बार भगवान की श्री गर्जना।